सो हेलो एनिमे फैंस, व्हाट इज अप। सो दोस्तों, मैंने ब्लैक क्लोवर के सारे 170 एपिसोड देख डाले और इसके बाद मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होगा, मगर वे एपिसोड तो कभी आया ही नहीं। मगर इसी क्यूरियोसिटी ने मुझे आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और वो इतने औसम थे कि उन्हें आपसे शेयर करना तो बनता है। सो हियर वी गो, आज से हम शुरू करेंगे ब्लैक क्लोवर के 170 एपिसोड के आगे के एपिसोड से। तो देखते हैं इसका एपिसोड नंबर 171 मींस चैप्टर नंबर 271 से। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपने डेविल लिबे को हराकर आस्था ने उसके साथ 50-50 वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था। और अब आगे नेट आस्था से कहता है, जो लोग सही होते हैं उन्हें उनके काम के लिए कभी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, इसलिए वह उसे ताकतवर बनने के लिए कहता है जिससे वो खुद को बुरा बनने से रोक सके। नेट आस्था और लिबे को बोलता है, तो आज से तुम लोग जिसे ट्रेनिंग कहते हो वो पूरी शिद्दत से शुरू होती है, तो आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। ये कहकर वो अपने डेविल यूनियन मोड कैनिस में आ जाता है। ये देखकर आस्था के तो पसीने ही छूट जाते हैं और नेट कहता है, आस्था तभी ताकतवर बन सकता है जब वो अपने डेविल के साथ एकजुट हो जाए और वो अपने सारी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करे। और तभी जब इनसे कई सारे शैडो हैंड्स निकलने लगते हैं और वो आस्था को घेर लेते हैं, और तभी आस्था अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और अपने एंटी मैजिक से सारे हाथ को काट देता है। और वो लिबे को इधर उधर ढूंढने लगता है और वो नोटिस करता है कि लिबे तो छोटा होकर उसके कंधे पर बैठा है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लिबे जब आस्था को अपनी पावर देता है तो वो ऐसे ही छोटा हो जाता है। नेट उसे बताता है कि मैंने अपने डेविल को हराकर उसकी 100% पावर यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए मैं यूनियन का इस्तेमाल आसानी से कर लेता हूँ। मगर आस्था की केस में उसने अपने डेविल के साथ 50-50 वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए वो शायद एकजुट नहीं हो रहे। इसीलिए आस्था लिबे से पूछता है कि वो उसकी पावर का पूरा इस्तेमाल कैसे करे, मगर लिबे को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि लिबे का तो कुछ और ही प्लान होता है कि वो आस्था के बॉडी पर कब्जा करके लड़ेगा। इसीलिए वो कभी किसी से लड़ने के लिए बाहर नहीं आया और वो इसीलिए आस्था जैसे बच्चे ने भी उसे हरा दिया। इस बात पर वो आपस में ही झगड़ने लगते हैं और नेट कहता है, तुम लड़ते हुए इस बात का पता लगा सकते हो, चलो फाइट को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। और ऐसा कहकर वो अपने डेविल आर्मी को उन पर छोड़ देता है और अपना आस्था अपने डिमसलेयर सॉर्ड निकालकर सारे क्लोन्स को काटना शुरू कर देता है। और वो सोचता है इन सभी क्लोन्स की वाइस कैप्टन नेट की तरह सेंस कर रही है। और नेट लड़ते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते ये क्लोन्स ऐसे ही आते रहेंगे। आस्था को उसकी बातें सुनाई दे रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि नेट अपने डेविल्स में घुल मिल गया था। आस्था को समझ आता है कि नेट ने 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मतलब कि उसका सामना मौत से हुआ होगा। मगर मेरा और लिबे का भी कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है, मुझे और पावर निकालने में माहिर होना होगा। नेट कहता है, तुमने अपने डेविल के साथ इक्वल टर्म का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए अब वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, इसलिए तुम उसकी 100% पावर यूज नहीं कर पा रहे हो। तभी नेट कहता है, मुझे हराने के लिए तुम उसका इस्तेमाल करो, और यहाँ पे नेट का मतलब एंटी मैजिक से होता है। आस्था कहता है, यस सर, और फिर वो कहता है, मैं यहीं पे अपने लिमिट सरपास करता हूँ। और फिर वो यामी का कटाना निकालकर सारे क्लोन्स को काटने लगता है। फिर उसे नेट दिख जाता है और फिर वो अपने कटाना को नाम भी देता है, डिमन स्लेयर्स कटाना। और वो कहता है, चलो कैप्टन यामी को साथ में लेते हैं और हम यहीं पे अपने लिमिट सरपास करते हैं। और ये सुनकर नेट गुस्से में कहता है, मुझे नफरत है इस शब्द से।